Welcome to my channel Natural Beauty. I'm your friend Rima Jain. तो friends आज मैं आप सबके साथ में share करने जा रही हूँ एक heavy oiling का video जो कि है seasame heavy oiling का video. तो friends तिल का तेल बहुत ही अच्छा होता है हमारे hair के लिए, हमारे hair को काला रखने के लिए, हमारे hair को straighten करने के लिए, हमारे hair fall को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ये beneficial होता है. एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिटेंस है, अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ये तिल का तेल ट्राई कर सकते हो. किसी ब्रांड का, बहुत सारे ब्रांड का तिल का तेल आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो. बट इतना ध्यान रखिएगा, इंग्रेडिएंट्स में एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसमें 33% मिनरल ऑयल ना भरती हो, क्योंकि अगर मिनरल ऑयल दुनिया भर का है तो फिर आपके किसी काम का नहीं है वो ऑयल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मेरा गला वो बिल्कुल फटा हुआ हो गया है. मेरी आवाज़ खास खास के मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल फटी हुई हो गई है. तो फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर इट. एंड अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो सबसे पहले मैं मेरे हेयर को कॉम कर लेती हूँ. ऑयलिंग का जो पहला रूल है वो है हेयर से सारे टेंगल्स को रिमूव कर लेना फटाफट. फ्रेंड्स मैंने बहुत कम ऑयलिंग की है 2 वीक के अंदर में. एक मेरी मॉम ने मुझे जो हेयर में ऑयलिंग किया था वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. एंड ये मैं आज सेकेंड टाइम ऑयलिंग कर रही हूँ, तो मैंने ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करी है. तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ऑयलिंग. तो आज मैं कोई एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मैं तिल का हैवी ऑयलिंग करूँगी ताकि मेरे हेयर से जितनी भी ड्राइनेस है वो सारी की सारी चली जाए एक बार में. फ्रेंड्स मैं मेरे हेयर में अच्छी तरह से पहले ऑयलिंग कर लूँगी एंड देन मैं मसाज करती जाऊँगी ऑयलिंग लगाते जगाते. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ऑयल लगाने के साथ साथ मसाज भी कर रही हूँ हल्का हल्का हाथ से. इससे जो ऑयल है वो स्कैल्प में जाता है एंड मसाज से हमारे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारी हेयर की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है एंड हमारे हेयर से ड्राइनेस और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है. फ्रेंड्स आगे के हेयर में तो मैंने लगा लिया, तो फ्रेंड्स अब मैं बैक के हेयर में अपने हेयर में ऑयलिंग करूंगी. और बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम ऑयलिंग हुई है एंड गर्मी इतनी है कि हेयर तो वॉश करने ही पड़ते हैं. Thank you.
फ्रेंड्स ऑयलिंग तो हो चुकी है, तो फ्रेंड्स अब मैं अपने हेयर को अच्छे से कोम कर लूंगी। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा बना है कि नहीं बना है, कैसा बना है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तेल के हैवी ऑयलिंग से बहुत बेनिफिट होता है आपके हेयर को, आपके हेयर बहुत ही जो ड्राई होते हैं, आपके हेयर ड्राई होना बंद हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स तिल का ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं तो वीक में एक बार आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हो तिल का, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने आज भी तिल का हैवी ऑयलिंग किया है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ऑयलिंग नहीं करी थी, तो इसलिए मैंने आज तिल के तेल से हैवी ऑयलिंग करी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। बाय बाय।